हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वन मिनट, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। डस्ट उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिर रहे हैं। कैमरे पे जाके बैठ गया है सारा डस्ट। वन मिनट, मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। आई होप अब फोकस ले ले। फोकस ले लिया। अच्छा, वो अलग मोड में चला गया था। तो मैं आपको बता दूँ, एक मिनट लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ पहले। तो बहुत टाइम के बाद मैंने इस तरीके का पेंटिंग किया है। तो ये है एक चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हॉट ग्लू गन से बनाया है इसे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके का बनाया है। ये जो डस्ट है ना, ये गोल्डन, ये हट जाएगा। मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आपको। लाइट ऑन करके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लाइट ऑफ करके पता नहीं चल रहा है इसकी शाइनिंग वगैरह। तो देख सकते हैं इस तरीके की मैंने पेंटिंग बनाई है। ये ब्राउन कलर मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने निशु के हाथ के जो है छापे लिए हैं। तो तीन चार महीने पहले एक प्रोजेक्ट मिला था स्कूल में बनाने के लिए, तो मैडम ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने ऐसा कुछ उनके स्कूल में जाके बना कर आई थी प्रोजेक्ट में। तो वो मेरे को एकदम से ये पेंटिंग बनाते समय ध्यान आ गया, और इस पेंटिंग में मैंने प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय। मैं जो है मैंने छिपकली देख ली है, अब तो मेरा और भी जाने का मन नहीं करता। मैं छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। एक मिनट मैं कैमरा स्टैंड लगा दूँ, फिर आप लोगों से बात करूँ आराम से। कैमरा कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करती हूँ। तो मैंने इस तरफ से जो है ना ताला लगा रखा है, और घूम के जाती हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ दरवाज़ा है तो उसे ओपन नहीं रख सकती हूँ। तो अभी क्या है, चाय पीने का मन कर रहा है, शाम हो गई है, थोड़ा सा सोच रही हूँ चाय पी लूँ, और थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों से बात करती हूँ कंटिन्यू। और चाय के बर्तन भी गंदे हो गए, धोना है, जो गंदे हैं उसे बाहर रख देती हूँ। तो मेरे पास ये दूध की थैली है, खाली हो गया, इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ और धो लेती हूँ। देखो मामा, ये मेरे पीछे बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं मारूंगी बहुत। प्लास्टिक की थैली मेरे को धोनी है, तो मैं तो चाय मैंने बैटरी लो हो गई, तो चाय मैंने रख दिया है, और ये थाली मैंने काट ली है, इसको मैं अच्छी तरीके से धो देती हूँ। तो थाली धोने में मैं थोड़ा सा भींग गई हूँ, मैं धो दी। निशु, मेहंदी लेके आना बेटा, जरा ये मेहंदी। एक मिनट, मैं अभी आई। तो सॉरी गाइस, तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हालचाल मैं अपने हर ब्लॉग में पूछती हूँ, और
क्या लग गया मुझे। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं अपने हर ब्लॉग में आप सभी का हालचाल पूछती हूँ, और आप लोग भी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जो नहीं करते उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो बस मैं एक तरफ, आज मैं सोफे पे सो गई हूँ यहाँ पे, तो एक तरफ का मेरा गर्दन जो है ना अकड़ गई है, बहुत गंदा वाला गर्दन मेरा अकड़ गया है। मेरा गर्दन जो है इस तरफ नहीं घूम रहा, बहुत पेन हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये मैंने एक दूध की जो है थैली ली है इस तरीके से, तो इससे कीप कैसे बनेगा मैं एक आपको छोटा सा इजी आइडिया बता देती हूँ। अगर आप मेहंदी में न्यू बिगनर हैं और आपको मेहंदी का कोई भी आइडिया नहीं है, आपको मेहंदी जो डायरेक्ट कीप से होती है वो मेहंदी हमेशा अंगूठे में दर्द कर देता है, क्योंकि उसका कीप जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो वो हमेशा अंगूठे में पेनफुल हो जाता है। तो इसलिए मैं इजी से आपको बता रही हूँ। ये दूध की थैली को मैंने एक साइड से काट लिया है और पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे चारों तरफ से कटिंग कर रही हूँ। निशु, मेरा उस कमरे में मेहंदी का पैकेट लेके आओ। मैंने देखो कहाँ रखा मेहंदी। तो इस तरीके से मैंने थैली को काट लिया है जो इतना बड़ा हो गया है, तो मैं इसमें से दो कीप बनाऊंगी, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप कोई भी मोटा प्लास्टिक भी ले सकते हैं, और मैं दूध की थैली इसलिए ले रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और मेहंदी लगाने में बहुत इजी भी होता है। तो देख सकते हैं, मैं इसे एक कपड़े से पहले साफ कर लेती हूँ, उसके बाद कीप बनाना बताती हूँ। तो ये मैं कोई मेहंदी का अलग से ब्लॉग नहीं, मेहंदी का शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है पेपर टेप और नॉर्मल टेप, और प्लास्टिक वाले रबड़ लिए हैं मैंने आजकल मैं घर में। तो ये है, यहाँ से बस एक किसी भी एक तरफ से कोना कोने को जो है पकड़ लेना है इस तरीके से। एक मिनट, हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे निशु को कैमरा दिखता है तो वो एक ही चीज़ बोलता है, हाय गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उसको वेलकम बैक करना बहुत अच्छा लगता है आप सभी को, और आई होप कि आपको मेरे सवाल का जवाब मिल चुका होगा छोटा सा। अभी लंच हो गया है हम लोगों का, और कढ़ी चावल बनाए थे, ये रहा कढ़ी, और इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और एक मिनट बेटा रुको, मैं वहाँ का दरवाज़ा खोल के आती हूँ। एक मिनट रुको, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और स्टोर रूम में आते ही वो रही छिपकली, मुझे छिपकली से इतना डर लगता है, और मैं इसको कैसे भगाऊं। देखो मैं उसको ऊपर भगा रही तो वो नीचे जा रही है, इतनी ढीठ है ना कि ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं उसे ऊपर भगा रही हूँ, वो नीचे आ रही है, मैं उसे ऊपर भगा रही हूँ, वो नीचे आ रही है। एक कीप काफ़ी है, मैं उसको भगा रही थी नीचे, और वो जो है ना ऊपर ऊपर भगा रही थी, वो छिपकली जो है ना ऊपर चली गई है। अब मेरे को लग रहा है डर कि कहीं वो काट वाट ना ले। मैं ये वाला टॉप ढूंढ रही थी, एक मिनट इधर का दरवाज़ा खोल दूँ। मैं इधर से बार बार मेरे को ताला खोलना पड़ता है, तो मैं इस बालकनी का दरवाज़ा खोल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चाहे तो
अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा है मैं अपनी पोनी को फील कर लूँ। उसके बाद मैं एक सिल्वर कलर की नेल पेंट लगा के भी आपको बताऊंगी। तो ये मैं पोनी फील करने वाली हूँ। तो मेहंदी मेरा पूरा आर्ट हो चुका है, पूरा मेहंदी मेरे डिज़ाइन हो चुकी है। मैंने यहाँ पे कलर्स भी बनाया है और पीछे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ 5 मिनट में मेहंदी आपको लगाना और एक मेहंदी का नया प्रोसीजर सिखाने वाली हूँ कि मेहंदी कैसे बनती है। सिर्फ आपको 5 मिनट में आपकी ऐसी मेहंदी बनेगी, ना आपको सुखाना पड़ेगा, ना आपको कीप चलानी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे पेंसिल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपकी सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आप हाथ धो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहंदी सुखानी नहीं पड़ेगी, आपको मेहंदी रखना नहीं पड़ेगा। आप जैसे जैसे उसे ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे वो मेहंदी रेड या ब्लैक होते चली जाएगी। अगर आपको अच्छी मेहंदी चढ़ती है तो वो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ब्लैक होती चली जाएगी। वो मार्केट से परचेज नहीं करनी है, आपको घर पर बनाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय। तो मेरा मेहंदी डिज़ाइन कैसा लगा आपको, मेहंदी आइडियाज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।